राजस्थान के बाड़मेर जिले के गेवाराम के 27 महीने बाद रिहाई के बाद भारत वापसी हुई है। गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया था। शनिवार को वह बाड़मेर पहुंचा तो अपने भाई से मिलते ही फपक पड़ा। गेवाराम ने भाई को पाक में हुए उनके साथ अमानवीय व्यवहार की दास्ता सुनाई तो परिजनों के रोंगटे खड़े हो गए। आंखों में आंसू लिए रूंधे गले से गेवाराम ने बताया कि पाकिस्तान में 6 महीने तक उनके साथ रोज बेरहमी से पिटाई की गई। उसे रस्सी से उल्टा लटकाकर पीटा गया। 4 दिन पहले पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर गेवाराम को भारत के सपूत किया था। इसके बाद पंजाब से बाड़मेर पुलिस गेवाराम को पॉस्को एक्ट के तहत एक मामले में बाड़मेर लेकर पहुंची। पुलिस ने जिला अस्पताल में गेवाराम का मेडिकल करवाया। अब पुलिस गेवाराम को कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले जिला अस्पताल में गेवाराम जैसे ही अपने भाई से मिला तो गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। वही मीडिया से बातचीत करते हुए गेवाराम ने पाकिस्तान में हुए जुल्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां की। उसने बताया कि गलती से वह सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया था, जिसके बाद वहां पर तैनात पाक रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। गेवाराम ने बताया कि 6 महीने तक उसके साथ बेरहमी से मारपीट हुई। यह भी पता नहीं चलता था कि कब सूरज निकल रहा है और कब रात हो गई। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टा लटकाकर पीटा जाता था। उससे पूछताछ करते थे कि पाकिस्तान क्यों आया है और किसने भेजा है। गेवाराम ने बताया कि 6 महीने के बाद उसे कराची जेल में बंद कर दिया गया, जहां करीब 21 महीने तक वह बंद रहा। गेवाराम की माने तो पाकिस्तान जेल में करीब 700 भारतीय नागरिक बंद है, जिन्हें काफी प्रताड़ित किया जाता है।